आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैं कब किससे मिलती हूँ शुजात। अगर हमें पता होता तो ये सरप्राइज कैसे मिलता? कैसे पता चलता हमें कि आप कुछ छुपा भी सकती हैं हमसे? ऐसा कुछ नहीं है शुजात, ट्रस्ट मी। आप समझने की कोशिश करेंगे तो मैं समझाऊंगी ना? नहीं समझना चाहते हो और ना हम समझेंगे। अरे आपकी खातिर हमने शहजाद और हिबा दोनों की जिंदगी दांव पर लगा दी, उसका ये सलाह मिला हमें कि आप हमसे छुपाती रही। हमने कभी आपसे झूठ नहीं बोला एक भी। आप हमारे साथ ऐसे कैसे कर सकती हैं? ऐसी कोई बात नहीं है। हम कोई बात सुनना नहीं चाहते। शुजात मेरी बात तो सुने। लो मैं कर देता हूँ। छोड़ दो, रहने दो, मैं कर लूंगी। अरे बाबा कुछ दिन तक ये काम मुझे कर लेना, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। मुझे अच्छा नहीं लग रहा ये शहजाद। तो उसमें बुराई क्या है? प्लीज शहजाद। अनुजा हम लोग दोस्त पहले और हस्बैंड वाइफ बाद में। पता है मुझे, बल्कि अब तो मुझे तुमसे पहले से ज्यादा मोहब्बत हो गई है। रियली? वैसे काफी अच्छा हेयर स्टाइलिस्ट बन सकता हूं मैं। क्या हुआ? ये क्या कर रहे हो? हेयर स्टाइलिस्ट। अब तुम्हें क्या हुआ? खुशी। किस बात की? आज बहुत दिनों के बाद मैंने तुम्हारे चेहरे पर रौनक देखी है, तुम्हें खुश देखा। अब तुम्हें क्या हुआ शहजाद? तुमने माइंड तो नहीं किया ना? नहीं तो? तुम्हारे चेहरे से तो यही लग रहा था। इसका मतलब यह है कि तुम्हें अब तक चेहरा पढ़ने नहीं आया। क्या मतलब? मतलब यह कि आज मैं बहुत दिनों के बाद खुश हुआ। क्यों भाई? इसी तरह मुस्कुराती रहा करो, बहुत प्यारी लगती है। अच्छा बस अब मेरी कोम आप मुझे वापस करें, ठीक है? मैंने अपने बाल सही से अब सेट करने हैं। जैसे आपका हुक्म। थैंक यू। कैसी तबीयत है मेरी बहन? क्या हाल कर लिया है तुमने अपना, तुम्हें देख के मेरा दिल कटता है। क्या हालत क्या मुश्किल, बेवाओं की भी कोई जिंदगी होती है। कैसी बातें कर रही हो, कि तुम्हारी उम्र थोड़ी निकल गई है। और चलो तुम इंजेक्शन लगवाओ, तुम्हें ठीक नहीं होना क्या? मेरे लिए, अहमद के लिए, अपने लिए। नहीं बानो, अभी मुझे इंजेक्शन नहीं लगवाना, अभी मैंने नाश्ता भी नहीं किया है, मैं जरा थोड़ा सा घर बार देख लूं। और जब मेरे सर में दर्द होगी ना तो मैं लगवा लूंगी इंजेक्शन, मुझे नहीं है जरूरत। पागल हो गई हो तुम? अगर दोबारा तुम्हारे सर में दर्द हुआ ना तो ब्रेन हेमरेज हो जाएगा तुम्हें, और फिर रोज रोज मैं तुम पे तजुर्बे नहीं कर सकती। देखो बानो, मुझे ब्लड प्रेशर तो कभी भी इतना हाई नहीं हुआ है, मुझे लगता है
वो जो डॉक्टर चेकअप के लिए आया था ना, उसने सही से नहीं किया चेकअप। नहीं नहीं हसीना, वो तो बहुत बड़े डॉक्टर है। तुम रुको, तुम अपना इंजेक्शन लगवाओ, फिर तुम देखना। बानो प्लीज, अभी मत लगाना इंजेक्शन। जब मुझे जरूरत होगी ना, मैं तब बोल दूंगी, तब लगा। नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं बानो, चलो बस बस। बानो मेरी तबीयत बिल्कुल नहीं ठीक है। तुम देखना अभी कितनी सही हो जाओगे, बिल्कुल ठीक हो जाओगे। बानो बानो, तुम आराम से, सुकून आ जाएगा। अहमद, हमें यहाँ आए हुए पौने 2 घंटे हो गए। हाँ तो तुम क्या यहाँ सीसाइड विजिट करने आए थे? पहले तुम चाय पे रुक गए और अब यहाँ आ गए हो। सब खैरियत है ना? हाँ खैरियत है। तुम बोर हो रही हो? नहीं, तुम मजा नहीं आ रहा? ऑफ कोर्स आ रहा है अहमद, लेकिन मैं परेशान हो रही हूँ कि तुम्हारा आज का सारा काम रह गया, घर के भी इतने सारे काम पड़े हुए। काम काम काम, मैं भी तुम्हारी जिंदगी में हूँ। तुम ही हो अहमद, लेकिन फिर बीच में लेकिन क्यों आ जाता है? अहमद, हम कोई बच्चे नहीं है जो अपनी जिम्मेदारियों को इग्नोर कर सके। हम बूढ़े भी नहीं है जो जिम्मेदारियों के लिए अपने एंजॉयमेंट करना ही छोड़ दें। तुमसे कोई नहीं जीत सकता बाबा। तो फिर बहस मत किया करो। अच्छा बाबा छोड़ दूंगी, लेकिन पहले ये तो बताओ कि हम यहाँ क्यों आए? ताकि हम सारा दिन एंजॉय कर सकें। अच्छा तो मुझे झूठ बोलकर क्यों लाए गए यहाँ? क्योंकि मैं चाह रहा था हम शोर शराबे से दूर कहीं सुकून से दिन गुजार सकें और साथ टाइम गुजार सकें। आओ बैठो इधर। अहमद तुम भी ना, झूठ बोलने की क्या जरूरत है, सच कह देते। झूठ नहीं बोलता, तुम आती नहीं मेरे साथ। बोल के मैं देखो। प्लीज स्टॉप इट। आपकी इन्हीं बातों पे हमने अंधा एतमाद किया था। किया था? तो अब आप मुझ पे एतमाद नहीं करते? हाँ, नहीं है एतमाद में। तुम्हारे घर में बैठी हूँ, अनुषी के पास। फौरन यहाँ चले आओ, वरना एक तूफान खड़ा कर दूंगी। चली गई? ये क्या तरीका है? ओ खुदाया, हम इस उम्र में किन मसाइल में फंस गए। फरा, ये क्या तरीका है घर से बाहर जाने का?
और कैसे जाते हैं? आपने हमें उलझा के रख दिया है फिर। हमारा अपनों पर एतमाद, हमारी जिंदगी, सब कुछ तबाह बर्बाद कर दिया है, तोड़ दिया है आपने हमारा एतमाद। इतना कसूर नहीं है मेरा शुजात। अगर आप ठंडे दिलो दिमाग से सोचे तो आपको तो किसका कसूर? कौन कसूरवार है आप बताइए हमें। आपका आपका सच, आपकी दोस्ती, आपकी मोहब्बत, आपका एतमाद कुछ भी तो नहीं है हमारा। बताइए आप हमें कौन कसूरवार है। अच्छा चले, हम अंदर जाकर बात करते हैं, मैं अभी नहीं जाती। नहीं, अगर आपने मुझसे बात करनी होती तो कमरे में ही कर लेती, अब जरूरत नहीं। आप हमें अभी बताइए क्यों तोड़ा आपने हमारा एतमाद? किसने हक दिया आपको कि आप हमारी जिंदगी से खेलें? शुजात, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ही है। आप हमें बताइए क्यों तोड़ा आपने हमारा एतमाद? तो मैं आपको जवाब दे दूंगी ना आज रात तक। रात तक? रात तक तो सवाल ही पैदा नहीं होता। आप हमें अभी बताइए, अभी बताइए हमें। क्या हो गया आपको? अरे पागल हो गए हैं, पागल हो गए। और इंसान पागल ही हो जाएगा ना जब उसे पता चलेगा कि जिसके लिए उसने इतनी कुर्बानियां दी, अपनी जिंदगी तज की, अपनी औलाद को छोड़ा, हर चीज की कुर्बानी दी मैंने आपके लिए, और बाद में मुझे पता चले कि आप मुखलिस नहीं है हमारे साथ। मेरे खलूस का इस बात से क्या ताल्लुक? हम तभी झूठ बोलते हैं जब हम किसी के साथ मुखलिस नहीं होते। ना तंज मत कीजिए, ना मैं झूठी हूं, ना मेरे खलूस में कोई कमी आई है। प्लीज प्लीज स्टॉप इट। आपकी इन्हीं बातों पे हमने अंधा एतमाद किया था। किया था? तो अब आप मुझ पे एतमाद नहीं करते? हाँ, नहीं है एतमाद हमें, और हो भी नहीं सकता। क्यों शुजात? इसलिए कि हमने आपके खलूस पर सारे रिश्ते निछावर किए, और आप छुपकर झूठ बोलकर हमसे सारे रिश्ते निभाती रही। इतने इल्जाम क्यों लगा रहे हैं आप मुझ पर? मैंने कोई रिश्ता नहीं निभाया और मैंने आपसे कोई धोखा नहीं दिया। अरे तो धोखा और किसको कहते हैं? किसे कहते हैं धोखा? और देखिए, आप हमसे कोई ऐसी बात कीजिए जिससे हमें यकीन आ जाए कि आपने जो भी झूठ बोला हमारी मोहब्बत में बोला, और कोई वजह नहीं है आपके पास। ठीक है ना, आपको आप मुझ में कोई खलूस दिखता है, ना मेरे पास कोई जवाब है, और ना अब आप मुझ पर एतमाद करते, तो फिर हम साथ क्यों हैं? मुझे चले जाना चाहिए। ठीक है, चली जाइए। जब आप में अपने झूठ को निभाने का हौसला हो जाए ना, तो फिर हम रह लेंगे इकट्ठा। यानी अगर इस झूठ की वजाहत ना करना चाहो तो मेरे बगैर रह लेंगे? रह लूं, रह लेंगे हम। मैंने मोहब्बत आपकी सच्चाई से की थी लगा, जब आपकी मोहब्बत में सच्चाई ही नहीं है तो हम दोनों को एक दूसरे के साथ रहना, उसकी कोई वजह देखता नहीं मैं। ठीक है तो मैं चली जाती हूं, वापस नहीं आऊंगी। नहीं है मेरी जिंदगी में कोई जगह किसी ऐसे रिश्ते की जो मुझसे सच बोलकर काम करने का हौसला न रखता हो। नहीं है जगह, और मैं आपको रहकर दिखाऊंगा आपके बगैर फरा, आपको सच बोलना पड़ेगा फरा, सच बोलना पड़ेगा, वरना मैं अपनी जिंदगी, अपना घर, अपनी मोहब्बतें किसी कीमत पर भी आपके हवाले नहीं करूंगा, नहीं करूंगा आपके हवाले। हसीना तुम गलत कर रही हो, बहुत गलत। क्या गलत कर रही हूँ? शौहर मेरा सर पर नहीं रहा, बेटा मेरा बहू के चक्कर में फंसा हुआ है। अगर मैं भतीजों को अपने काम में लगाने के लिए बुला रही हूँ तो इसमें क्या बुराई है? बुराई है, बहुत ज्यादा बुराई है। अब देखो ना, यहाँ पर बेटे बहू जब तुम्हारे नहीं होके रह रहे तो तुम्हारा भतीजा तुम्हारा कैसे हो सकता है? तो ना बने मेरे, बस जो काम करेंगे उतने पैसे दे दूंगी। अस्सलाम वालेकुम। बैठिए। थैंक यू।
आज बहुत दिनों बाद बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। नहीं, मुझे भी। अब तो मेरे झूठ पर नाराज ही है ना? नहीं, लेकिन अब अगर आप मुझे सच बोल कर भी लेकर आएंगे ना तब भी मैं नहीं आऊंगा। ओके, आइंदा कभी झूठ नहीं बोलूंगा। वैसे पिछले दिनों मैंने जितने कर्ब और तकलीफ से गुजारे मैंने तकलीफ कभी महसूस नहीं की। अहमद, मैं हमेशा तुम्हारे साथ, और जहाँ तुम खुश वहाँ मैं खुश। जानता हूँ मैं, मगर तुम्हारा वक्त इतना बढ़ जाता है कि मुझे समझ ही नहीं आता कि मैं क्या करूँ। अच्छा बाबा, अब नहीं होगा ऐसे। पक्का? मैं पूरी कोशिश करूंगी, और अगर किसी हद तक हुआ भी तो कुछ ही दिनों की तो बात है। जब हम आ रहेंगे नहीं ये सारे मसले खुद ही हल हो जाएंगे। वैसे अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन आप लोग मेरे अपने ही हैं। अगर आप बताना मुझे मुनासिब समझें तो किस बात पे बहस चल रही थी? आप लोगों की आवाजें बाहर तक आ रही थी। वो दरअसल आपको तो पता ही है, आजिम तो अब है नहीं है, और अहमद अपनी बीवी के चुंगल में फंसा हुआ है, तो मैं अपने भतीजे को बुला रही हूँ ताकि वो आके कारोबार संभाले। मैं इसीलिए तो कह रही हूँ कि इसे अगर आप बुरा ना माने तो मैं भी यही कहूंगी कि बानो ठीक कह रही हैं। यकना शुद्ध तो शुद्ध, पहले ही बानो मेरा सर खा रही है, ऊपर से ये आ गई हैं उसकी हिमायती बनने। देखिए, मैं इनकी हिमायती नहीं बन रही हूँ, आपको हकीकत समझाने की कोशिश कर रही हूँ। क्या हकीकत? कैसी हकीकत? मैं अकेली औरत कैसे संभालूंगी इतने बड़े कारोबार को? बेटा मेरा जाके बहू के चुंगल में फंसा हुआ है। आपको कारोबार संभालने की क्या जरूरत है? तो कौन संभालेगा मेरा सारा कारोबार? आपका बेटा? मेरा बेटा? आप लेकर आएंगे उसे? नहीं, आप उसे खुद लेकर आएंगे। वो कैसे? आप क्यों नहीं आने देती हैं अहमद? जाहिर है उस अय्याश बुड्ढे और उसकी मकार बेटी की वजह से, और क्यों? अगर वही दोनों आपके बेटे को धक्के मारकर घर से निकाल दे और वो आपके कदमों में आके पड़ जाए तो? ये ख्वाब देखते देखते मैं अपने शौहर को गवा बैठी हूँ। अब मैं अपनी जान नहीं गंवाना चाहती। ये ख्वाब नहीं, हकीकत है, और बिल्कुल ऐसा ही होगा चंद घंटों में। वो कैसे? आप खुद जाएंगी अहमद को लेने वहां। वो मेरी बात नहीं सुनेगा। वो आपकी बात सुनेगा भी, और वो लोग उसे घर से बाहर खुद निकालेंगे भी। आप मेरे कहने से एक बार जरा अहमद को फोन करके तो देखें। मैं उसे फोन करूं? अहमद को? किसकी कॉल है? पप्पू का फोन है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हिबा, हिबा बेटा आप कहाँ हो? फोन बिजी जा रहा है। तो दोबारा ट्राई कर ले। क्या हुआ है? मैंने घर छोड़ दिया। क्या? लेकिन क्यों? सब कुछ बताऊंगी। मैं मिलना चाहती हूँ अहमद और आप कहाँ? अब पप्पो, हम तो सी साइड की तरफ हैं, आप कहाँ पर हैं? मैं फिर अपने फ्लैट में हूँ। अच्छा ठीक है, हम आ रहे हैं, प्लीज जल्दी आ जाओ। ओके, खुदा हाफ़िज़। क्या हुआ? पप्पो का फोन था, बहुत रो रही थी, उन्होंने हमें फौरन फ्लैट पर बुलाया। कर क्यों? चलो। पहचान तो लिया होगा, तुम्हारी माँ बोल रही हूँ। हाँ बोले, खैरियत? अभी मरी नहीं हूँ, और ना ही मैं इतनी आसानी से मरूंगी उस मनुज के हवाले करके तुम्हें। माँ मैं फोन बंद कर दूंगा, आपने कॉल क्यों किया मुझे ये बताएं। तुम्हारे घर में बैठी हूँ अनुषे के पास, फौरन यहाँ चले आओ वरना एक तूफान खड़ा कर दूंगी। मेरा घर, मेरा ससुराल? मम्मा आपने मेरा घर रहने ही कहा दिया है। घर मैंने नहीं खराब किया तुम्हारा, तुम्हारी हराफा फुफी ने किया है। मम्मा मुझे आपसे बात करनी है। बात तो तुम्हें करनी पड़ेगी,
और यहाँ आना भी पड़ेगा, वरना वो हाल करूंगी तुम्हारा और तुम्हारी फूफी का कि तुम्हें कहीं सर झुकाने को जगह नहीं मिलेगी। लेकिन मेरी बात तो सुने। क्या हुआ है? मैं नहीं जानता, लेकिन मम्मा अनुषा के कमरे में कह रही अभी मिलना चाहती है मुझसे। कहीं ऐसा तो नहीं कि इनमें और पप्पू में कोई लड़ाई हुई हो? शायद ऐसा ही हुआ। तो फिर क्या करें, घर चले? हाँ, मगर तुम्हें साथ नहीं ले जाना चाहता मैं। लेकिन अहमद, तुम कुछ उल्टा सीधा मत कह देना। मैं कुछ उल्टा सीधा नहीं करूँगा, तुम रिलैक्स हो जाओ। तुम ऐसा करो, तुम फूफी के पास चली जाना। और अगर डैड और भाई घर पर हुए तो? कुछ भी हो, इस मसले को तो सुलझाना है ना। हाँ ये तो है, चलो चलो। फोन तो करवा लिया आपने, वो थोड़ी देर में घर भी पहुंच जाएगा, लेकिन आप मुझे ये बताएं, मैं तो यहीं बैठी हुई हूँ। वैसे मैंने अनुषे से सब कुछ तय कर लिया है, और मजे की बात तो यह है कि अनुषे के अलावा उस घर में कोई है ही नहीं। मैं तो अपना पूछ रही हूँ कि मैं जाऊं कि ना जाऊं, आप पूरे घर वालों की स्टोरी मुझे बता रही हैं। मैं यही तो समझाने की कोशिश कर रही हूँ आपको कि आपके बगैर जाए अहमद उस घर से निकल जाएगा। मेरे तो सर में दर्द हो गया, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा आप क्या पहेलियां बुझवा रही हैं मुझसे। हसीना, तुम्हारी अकल ने काम करना छोड़ दिया, क्योंकि एक के बाद एक सदमा जो मिल रहा है तुम्हें। अच्छा ठीक है, तुम्हारी अकल तो काम कर रही है ना, तुम मुझे समझा दो। मेरा ख्याल है कि तुम्हें थोड़ा आराम करना चाहिए, आओ मेरे साथ। हाँ ठीक कह रही है ये, मैं इंतजार कर लेती हूँ। आप बैठिए, मैं आती हूँ। आओ। शहजाद, मुझे कुछ चीजें मंगवानी थी, तुम प्लीज जाके लेकर आ सकते हो? हाँ बता दो, मैं मंगवा देता हूँ। नहीं, वो चीजें सिर्फ तुम ही ला सकते हो। अब फिर से जाऊं? अगर तुम आने से पहले मुझे कॉल कर देते ना तो मैं तुम्हें बता देती। अच्छा बाबा, बताओ, ला देता हूँ। नहीं, अब इतनी बेजारी से मुझसे कहोगे तो रहने दो। बात बेजारी की नहीं है, मैं तो सिर्फ तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाह रहा था। ठीक है, तो मेरे साथ टाइम भी स्पेंड कर लेना, मगर प्लीज पहले जाकर मेरी चीजें ला कर दो। अच्छा बताओ क्या लेके आना है? वो लिस्ट बहुत बड़ी है, मैं तुम्हें SMS कर दूंगी, तुम जाओ। अच्छा जल्दी कर देना। ये डोल सुलझे या ना सुलझे, मगर मैं आपका और डैड का रिश्ता नहीं टूटने दूंगी। चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी कुर्बान क्यों ना करना पड़े। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? हाँ शहजाद, हाथ कैसे लगाया मुझे? कर क्या रही हो तुम? तुम पागल तो नहीं होगी? सो गई हसीना। चलो अच्छा हुआ सो गई, वैसे इस वक्त उनका कोई काम भी नहीं था। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, वैसे आप काफी समझदार खातून लगती हैं। मैंने सोचा कि क्यों ना आपसे जरा तफसील से बात की जाए। जरूर जरूर, समझदार तो आप भी बहुत हैं। आपसे बैठकर बाद में किसी वक्त बात होगी। एक बात पूछूं आपसे? जरूर बोलिए। बड़ी मालदार आसामी फंसाई है आपने, अकेले हैंडल नहीं कर पाएंगी आप इसे? मैं अकेले नाकाम होने से ज्यादा आधा कामयाब होना ज्यादा बेहतर समझती हूँ। चलें फिर बैठकर आपसे बाद में तफसील से बात होगी। जी जरूर। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। Thank you.
ना आपको अब मुझ में कोई खुलूस दिखता है, ना मेरे पास कोई जवाब है, और ना अब आप मुझ पे एतमाद करते, तो फिर हम साथ क्यों हैं? मुझे चले जाना चाहिए। फरहाना, क्यों क्यों फरहाना, क्यों नहीं लगा मुझे कभी आपकी आंखों से, आपके चेहरे से, क्या आप झूठ बोलती हैं? मैं खुद को झुटला सकता था आपकी सच्चाई की कसम खाने के लिए। किस किस से नहीं टकराया मैं, हमें आपकी खातिर अपनी जात के लिए तमाम वादे, अपनी जिंदगी से, अपने बच्चों से किए हुए तमाम उसूल, सब कुछ तोड़ डाले हमने सिर्फ आपके लिए, सिर्फ आपके लिए। और क्या किया आपने? Yes, Alia. What did I tell you? मैंने आपको कहा था ना, I don't want to be disturbed. कोई कॉल्स नहीं, कोई कुछ नहीं, समझ नहीं आया आपको? ओह खुदाया, इतनी किरचियां हैं मेरे दिल की, इतनी किरचियां हैं कि समेटना चाहूं खुद को तो और बिखर जाऊंगा। क्यों मामा क्यों, आखिर आप चाहती क्या है? वो क्या है जो मैं नहीं कर पाया, पापा नहीं कर पाए? आखिर किस जुर्म की सजा दे रही हैं? फूफी भी चली गई, मेरी जिंदगी में सब कुछ कब तक चलता रहेगा? ये पी लिया ये बाप, प्लीज मैं नहीं पी सकती। मैं जानती हूँ आप जिस कर्म से गुजर रही हैं, लेकिन प्लीज मेरे कहने पर पी लें। ऐसा कैसे कर सकते हैं मुझे बताओ हिबा, शुजात किस तरह से एतमाद को तोड़ सकते? ऐसा एतमाद जो जो अब मुझे हमारे रिश्ते पे हुआ था, वो रिश्ता जो जो शायद मेरी जिंदगी का सबसे जरूरी और अहम रिश्ता। मैं तो खुद बहुत ज्यादा हैरान हूँ कि डैड ने आपके साथ इस तरह बिहेव क्यों किया। वो यकीन करें मैं, डैड बहुत मोहब्बत करने वाले इंसान, उन्होंने जिंदगी अपने हर रिश्ते को अपनी जात पर तरजीह दी। फिर पता नहीं क्यों वो मुझसे जवाब मांग रहे कि मैं अपने भाई के पास क्यों गई थी। अब वैसे आप क्यों मिलने गई थी, और वो भी डैड को बिना बताए? तुम्हारे और अहमद के लिए। अहमद और मेरे लिए? हाँ, लेकिन क्यों? क्योंकि मुझसे नहीं बर्दाश्त हुआ कि अहमद अपने बिजनेस के सेटअप के लिए किसी और से लोन ले। ये सब मेरा कसूर है, मैं कसूरवार हूं सारी चीजों की। नहीं हिबा, हम में से कोई कसूरवार नहीं है, बस जिंदगी ने उलझा दिया हमारे सारे रिश्तों को। मैं बताती हूँ डैड को सब कुछ, मैं बताऊंगी। फिर क्या होगा? अहमद का आप पे ट्रस्ट, अब शुजात के दिल में अहमद का इमेज, दोनों ही खराब हो जाएंगे ना। मगर मैं ये भी नहीं बर्दाश्त कर सकती कि आपका और डैड का रिश्ता टूट जाए, और वो भी हमारी वजह से।
सारा इतनी उलझने हैं कि एक डोर को तो तोड़ना ही पड़ेगा। नहीं, ये डोर सुलझे या ना सुलझे, मगर मैं आपका और डैड का रिश्ता नहीं टूटने दूंगी। चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी कुर्बान क्यों ना करना पड़े। हिबा, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी, प्लीज। और आप मुझसे वादा कीजिए अभी। तो क्या करूं आप मुझे बताएं, मैं क्या करूं? तकेस दू डैड को उसी तन्हाई की दलदल में, जिस तन्हाई में मैंने उन्हें हमेशा पढ़ते और डूबते देखा। मैंने ये तो नहीं कहा है बा, तो आप ही मुझे बताएं मैं क्या करूं। एक बार उनसे बात करने की कोशिश करो, लेकिन मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए। मैं उनके हर सवाल का जवाब दूंगी, बस हालात थोड़े से संभल जाए। ठीक है, कोशिश तो मुझे करनी होगी। उनसे बात करती हूँ। अनुषा के कमरे में हूँ। अनुषा के कमरे में? मगर मम्मा वहाँ क्यों? तुम जल्दी से आ जाओ तो फिर मैं तुम्हें बताती हूँ। ठीक है, आता हूँ। मामा कहाँ? मामा? मामा का यहाँ क्या काम? नहीं, उन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया था, इसलिए मैं आया हूँ। अनुषे, 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 तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? हाँ, शहजाद, हाथ कैसे लगाया मुझे? कर क्या रही हो तुम? तुम पागल तो नहीं होगी? निकलो यहाँ से! मगर ये सब कुछ करने की वजह क्या है? बकवास बंद करो! Get lost! निकलो यहाँ से! डैड कॉल पिक करें प्लीज। डैड, आई थिंक कहीं बिजी होंगे, जब भी उन्होंने मेरी कॉल पिक नहीं की। इस वक्त वो बिजी कैसे हो सकते हैं? अच्छी तरह जानती हूँ कि वो इस वक्त क्या कर रहे हो, अपने आप से और
उस कर्ब से लड़ रहे होंगे जिसमें हम सब शिकार हैं, लेकिन जिसका हल कोई नहीं। मैं अहमद को कॉल करती हूँ, हम दोनों मिलकर बात करते हैं, इस मसले का कोई ना कोई हल निकल आएगा। हाँ परेशान ना था। ये ले जी आप। अनुषे क्या हुआ? अनुषे टेल मी क्या हुआ? शहजाद, शहजाद मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती कि अहमद ने कितनी घटिया हरकत की है। वो इतना थर्ड क्लास कैसे हो सकता है? तुमने मैं हम कैसे हिबा को बताएंगे? तुम्हें पता है उसने क्या किया? उसने मेरा बाजू पकड़ा जब मैं तुम कमरे में नहीं थे, तो वो यहाँ पर आया, उसने मेरा बाजू पकड़ा। अनुषे ने मुझे अपने साथ रैम्बो टेप में फंसाने की कोशिश की है। क्या? लगता है बहुत चढ़ाकर भेजा उस अहमद ने उसे हमारे खिलाफ। चढ़ाकर भेजा है तो मैं भी देख लेता हूँ कब तक चढ़ी रहती है। भूल है तुम्हारी, ये इतना आसान नहीं है। देख लेता हूँ। इस अहमद को मुझसे क्या दुश्मनी है? हर वक्त मुझे टारगेट करता रहता है। शट अप अनुषे, बंद करो अपना ड्रामा। क्यों शट अप? अगर वो तुम्हारा शौहर है तो इसका ये मतलब नहीं कि उसका जो दिल में आए वो करता रहे और हम बर्दाश्त करते रहे। तुम ऑलरेडी भूल चुकी हो कि मैं कौन हूँ, और अब मैं तुम्हें याद दिलाऊंगा और उस शख्स से तलाक दिलवाकर याद दिलाऊंगा। मैं आपको तो छोड़ सकती हूँ भाई, लेकिन उनसे तलाक कभी नहीं लूंगी। तुम्हें तो खामोश हो जाएगी आप दोनों।